आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से कुछ माओवादी पिछले 3-4 दिनों से साजिश रचने के लिए एकजुट हुए हैं और वे गढ़चिरौली महाराष्ट्र और नारायणपुर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए मौजा कोपरशी तालुका भामरागढ़ के जंगल में दो विभिन्न ठिकानों पर घात लगाकर बैठे हैं। ऐसे गोपनीय सूत्रों से मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तारीख 19 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एम रमेश के नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस बल की विशेष अभियान टीम की 21 इकाइयों और सीआरपीएफ क्यूएटी की 2 इकाइयों को कोपरशी वन क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर माओवादी विरोधी अभियान चलाने के लिए तुरंत भेजा गया। उक्त माओवादी विरोधी अभियान चलाते समय सुबह 7 बजे के करीब इस वन क्षेत्र में वन में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने अचानक पुलिस जवानों को जान से मारने और हथियार लूटने के इरादों से गोलीबारी शुरू की। तब पुलिस जवानों ने माओवादियों से हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने के लिए आह्वान किया, परंतु माओवादियों ने आत्मसमर्पण न करते हुए पुलिस जवानों पर जोरदार गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पुलिस ने जोरदार गोलीबारी की। पुलिस का बढ़ता दबाव देख माओवादी घने जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। करीब 8 घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद उक्त क्षेत्र में पुलिस जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। घटनास्थल से 2 पुरुष 3 महिला ऐसे कुल 5 माओवादियों के शव बरामद किए गए। मृत माओवादियों की पहचान की गई। पिछले कुछ दिनों से कोपरशी जंगल परिसर में भामरागढ़ तालुका में एक बड़ा नक्सल कैंप होने की पूर्व सूचना गढ़चिरौली पुलिस को मिली थी। इसके मद्देनज़र हमने 19 अक्टूबर को शाम में एक अभियान लॉन्च की, जिसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन यतीश देशमुख, एडिशनल एसपी एडमिन श्री एम रमेश और 23 C60 की टुकड़ियां और 2 क्विक एक्शन टीम CRPF की, ऐसी जॉइंट ऑपरेशन हमने लॉन्च की थी। और इस ऑपरेशन को लॉन्च करके 25 किलोमीटर के पैदल प्रवास के बाद हमारे लोग जब कोपरशी जंगल परिसर में एरिया सर्च कर रहे थे तो उस समय माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी हमारे ऊपर शुरू कर दी। उसके बाद जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ गए तो नारायणपुर के एरिया में हमारी बड़ी मुठभेड़ 2 ठिकान पे हुई और एक ठिकान पे, दोनों ही ठिकान पे हमें नक्सल साहित्य और लिटरेचर प्राप्त हुए हैं। और एक ठिकान पे 8 घंटे की गोलीबारी के बाद वहाँ पे हमें 5 माओवादियों के मृतदेह मिले, जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिला माओवादियों का समावेश है। जो 5 माओवादियों के मृतदेह मिले उसमें 2 बड़े कैडर हैं, एक जया भूरीपदा जो डिवीजनल कमेटी मेंबर कंपनी नंबर 10 की और कमांडर इन चीफ उत्तर गढ़चिरौली डिवीजन की थी, उसका मृतदेह हमें मिला है। एक साहूजी तुलावी जो गुरेकसा धानोरा का रहने वाला है गढ़चिरौली का, वो डिवीजनल कमेटी मेंबर गढ़चिरौली सप्लाई टीम का था, उसकी मृतदेह हमें प्राप्त हुई। और 3 प्लेटून मेंबर देवे वीके बसंत और सुखमती मडकाम, ऐसे 3 प्लेटून मेंबर के मृतदेह का भी समावेश है। हमें इन 5ों के हथियार भी मिले हैं और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, दारूगोड़ा और नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है, जिसमें पेंड्राइव का भी समावेश है। इन सब की एनालिसिस की जा रही है और अभी भी टीम्स हमारी इतने डीप में अबुझमाड़ में से वापस लौट रही है। और ये एक विधानसभा की पहले ये एक बड़ी सफलता गढ़चिरौली पुलिस और CRPF की मानी जा सकती है और हमें उम्मीद है कि सफलता के कारण हमें आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को कराने में सहायता मिले। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गढ़चिरौली।